हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भिंडी दो प्याज़ा की रेसिपी, जो कि लेमन फ्लेवर के साथ है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने सारी भिंडियों को धोकर पोंछ कर रख लिया था। हमने 250 ग्राम भिंडी ली है और उसके ऐसे हेड्स को निकाल देंगे और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। साथ ही इसके टेल को भी हम डिस्कार्ड कर देंगे। इसी तरह से बाकी की सारी भिंडियाँ हमने काट कर रेडी कर ली हैं। एक पैन में मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल, और मस्टर्ड ऑयल के अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, जिसे हमने बारीक काट ली थी। साथ ही ऐड कर दूंगी 1 ड्राई रेड चिली। अब इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो लहसुन हमारा गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गया, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी भिंडी। आप चाहें तो वेजिटेबल ऑयल में भी इसे बना सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इसे स्टर फ्राई करेंगे, और इस स्टेज पे अभी हमें कोई भी इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करना है, कोई भी, ना तो मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ और ना ही सॉल्ट। अभी बस हमें 1 मिनट के लिए इसे ढककर पकने देना है। हमने गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखा हुआ है। तो भिंडियों को पकते हुए लगभग 1 मिनट हो गए हैं। अब हम भिंडियों को चेक कर लेते हैं। भिंडी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। अब इस स्टेज पे मैं स्पाइसेस ऐड करूंगी। सबसे पहले जाएगा 1 टीस्पून धनिया पाउडर, साथ ही जाएगा 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और 1/4 टीस्पून के करीब हमने हल्दी पाउडर डाला है। हल्दी पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही मैं एक बड़े साइज़ का प्याज लेकर, मोटा मोटा काट लिया था हमने, उसे मैं ऐड कर रही हूँ। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद हमें अच्छी तरह से इन्हें मिक्स करना है। साथ ही मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट। अब मसालों को अच्छी तरह से भिंडी पर कोट हो जाने तक हमें इसे चलाना है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी पैन में चिपक नहीं रहा है। अक्सर भिंडी हमारी पैन में चिपकने लगती है। अगर सॉल्ट को मैंने पहले ऐड कर दिया होता तो ये काफ़ी पानी छोड़ देता और बहुत स्टिकी हो जाता और ये पैन में चिपकने लगता। आपने भी इस प्रॉब्लम को ज़रूर फेस किया होगा। तो अगली बार जब भी आप भिंडी बनाएं तो आप पहले 1 मिनट के लिए इसे ऐसे ही पकने दें, और फिर उसमें नमक और जो भी आपको इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है उसे ऐड करें। तो आपके पैन में बिल्कुल भी भिंडी चिपकेगी नहीं और खिली खिली बनकर तैयार होगी। अब भिंडियों को पकते हुए लगभग 2 मिनट और हो चुके हैं और भिंडी काफ़ी हद तक पक चुकी है। अब इस स्टेज पर मैं क्या करूँगी, 1/2 नींबू का रस ऐड कर दूँगी। इसका लेमन फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे चपाती के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है। लेमन जूस डालने के बाद हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। तो लीजिए, भिंडी दो प्याज़ा बनकर तैयार है। बहुत ही कम मसाले के साथ बनकर तैयार होती है ये सब्ज़ी और बहुत ही फ्लेवरफुल लगती है। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मुलाकात होगी इसी जैसे कई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।